नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 5 के स्तर का एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जिसे अधिकांश बच्चे और बड़े पहली बार में ठीक नहीं कर पाते। तो आइए मेरे साथ और ध्यान से देखें कि आखिर बच्चे गलती कहां और कैसे करते हैं। आइए। एक बार कक्षा 5 में गणित के टीचर ने बच्चों को लैसे मैसे के सवाल सिखाने के बाद उनकी जांच के लिए एक प्रश्न दिया। प्रश्न था कि उस छोटी से छोटी रस्सी की लंबाई बताओ जिसकी सहायता से 10 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर गहरे कुएं से पानी निकाला जा सके। बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, अभी 2 मिनट में लेकर के आए। और बच्चे गए और उन्होंने प्रश्न को पढ़ा कि उस छोटी से छोटी, अरे छोटी से छोटी आ गया, इसका मतलब इसे लैसे करना है। हम और आप अक्सर कुछ ऐसे ही बताते हैं कि जब प्रश्न में छोटी से छोटी आए तो लैसे कर दो और बड़ी से बड़ी आए तो मैसे कर दो। बच्चों ने भी इसका पालन किया और प्रश्न को करना शुरू किया। 10, 15, 25 का लैसे यानी कि एलसीएम, बच्चे होशियार थे, उन्होंने उसको फटाफट करना शुरू किया। 10, 15, 25 दो से किया, 2 पंजे 10, इसके बाद 3 से किया, 3 पंजे 15, 5 से किया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और फिर लास्ट में 5 से किया, 5 एकम 5। तो इस तरह से जो लैसे था वो हुआ 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 6, 6 × 30, 30 × 150। बच्चे दौड़कर अपने सर के पास आए कि लो सर, उत्तर आया है इसका 150 मीटर। तो सर मुस्कुराए और बोले कि बेटे, हमारे पास कुएं हैं 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर के, और आप उसके लिए 150 मीटर लंबी रस्सी लेकर के आएंगे, अरे इतनी लंबी रस्सी का क्या करोगे? अब बच्चों को लगा कि हाँ, ये तो कुछ गड़बड़ है भाई कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि शायद इसका मैसे करना होगा, हमें सुनने में शायद कुछ भूल हुई होगी। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं कि जब एक तरीके से सवाल नहीं होता तो हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं सोचने में। तो बच्चे गए फिर से, उन्होंने कहा सर अभी बस 2 मिनट में आए, और वो 10, 15, 25 का मैसे यानी कि एचसीएफ करना शुरू किया। 10 का 15 से किया, 10 एकम 10, 5 बचे, फिर 10 लिख लिया यहां पर, 5 × 10, उत्तर आया 5, फिर 5 का किया इस 25 से, 5 × 25, और इस तरह से उसका मैसे यानी एचसीएफ आया 5। बच्चे दोबारा से भाग करके सर के पास आए कि लो सर, उत्तर आया है इसका 5 मीटर, और बच्चे बड़े खुश थे। टीचर फिर से मुस्कुराए कि बेटे, हमारे पास कुएं हैं 10 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर के, और आप 5 मीटर गहरे कुएं से पानी निकाल देंगे? अरे 5 मीटर रस्सी तो आपके 10 मीटर गहरे कुएं में भी नहीं जा पाएगी। अब बच्चे को लगा कि हाँ, ये तो फिर से गड़बड़ होगी। तो बात आती है यहां प्रश्न के हल की, अब गलती कहां है? हमें प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ के इसकी समझ बनानी है कि इसमें कहा क्या गया है। अब देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है उस छोटी से छोटी, ये प्रश्न को भ्रमित करने के लिए है, केवल बच्चों को भ्रमित करने के लिए। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, इसकी लैंग्वेज देखनी है बस। तो हमें रस्सी वो चाहिएगी जो 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर गहरे कुएं से पानी निकाल दे, और वो रस्सी जो सबसे गहरा कुआं है 25 मीटर, वो इस माप की रस्सी हमें तीनों कुओं में से पानी निकालने के लिए पर्याप्त होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ना तो इसका एलसीएम और ना ही इसका एचसीएफ करना है, दोनों में से कुछ नहीं करना है। और इसका उत्तर जो सीधा सीधा निकल के आएगा वो प्रश्न में से ही उत्तर निकलेगा, और वो है इसका उत्तर 25 मीटर। वो रस्सी जो सबसे गहरे कुएं में जा सकती है वो इसका उत्तर होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इस प्रश्न को आप अपनी कक्षा में अपने बच्चों को जरूर दें और देखें कि वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसका मजा लेंगे। आपको बड़े अच्छे अनुभव मिलेंगे इससे। धन्यवाद।